हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमारे पास ये रिपेयर के लिए आया है गाइस, G41 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है। तो गाइस, इसमें फॉल्ट आ रहा है नो डिस्प्ले का, ठीक है। तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट आ रहा है, फैन स्पिन हो रहा है, और इसमें बेसिकली कारण तो एक ही होता है कि रैम खराब होने पर भी नो डिस्प्ले आता है। तो हमने तो रैम भी चेंज करके देखे, रैम ओके, प्रोसेसर भी चेक करके देखे, प्रोसेसर भी ओके है, ठीक है। फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, नो डिस्प्ले का इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो वही डिटेक्ट करने वाले है गाइस, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो गाइस, इसे चेक करेंगे पहले। तो गाइस, सबसे पहले चेक करने के लिए हम ये इसमें जो VRM सेक्शन के जैसे MOSFET है, तो ये MOSFET यहाँ पे भी होते हैं, मेन MOSFET और सपोर्ट MOSFET, और फिर कंडेंसर भी चेक करेंगे। अगर कंडेंसर सूजे हुए हैं यानी मतलब फूले हुए होते हैं तो वो भी चेक करेंगे। अगर इसमें तो कंडेंसर भी फूले हुए नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ का MOSFET चेक करना है, MOSFET चेक करेंगे। अगर MOSFET चेक करने ओके रहेंगे MOSFET, तो उसके बाद क्या करना है तो गाइस वीडियो में बता दूंगा कि रिपेयर करने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो गाइस, तो हम MOSFET चेक करेंगे, कंटिन्यू टू पे मीटर लगाएंगे, और ये जो है MOSFET, ये पूरे MOSFET चेक करने वाले हैं, ये पूरे MOSFET चेक करने वाले, एक एक करके सब MOSFET चेक करेंगे। तो गाइस, VRM सेक्शन के MOSFET चेक करने के लिए प्रोसेसर पहले निकाल देना है, तभी VRM सेक्शन के MOSFET चेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ का MOSFET शॉर्ट है, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट पे शॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। तो हमें इसे चेक करना होगा, तो इसे निकाल के चेक करेंगे, और निकाल के चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये ख़राब है या नहीं, ठीक है। अगर ख़राब होता है तो दूसरे बोर्ड में से निकाल के हम इसमें लगा देंगे। तो ये एन चैनल MOSFET होते हैं, तो निकालते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस, ये हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो गाइस, अभी हमें इसे निकालना है, बजर बज रहा है, हीट गन से निकालेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं, देखिए अभी इसे चेक करेंगे। देखिए गाइस, बज रहा है MOSFET, शॉर्ट बता रहा है, ठीक है गाइस, बजर बज रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ बज रहा है, शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे दूसरा लगाने वाले हैं। तो गाइस, ये इसमें का था, शॉर्ट बता रहा है, ठीक है, और ये दूसरे बोर्ड में से निकाले, तो ये लगा देंगे, लगा के चेक करेंगे चलता है या नहीं। ठीक है गाइस, MOSFET लग चुका है, अभी ये ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद मॉनिटर को लगा के देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि अब कनेक्शन करने वाले हैं, ये देखिए हमने MOSFET चेंज किया है, ये MOSFET चेंज किया है,
तो अब हम इसे कनेक्ट करके देखने वाले हैं। इसका ATX का वायर हमने नीचे सोल्डर करके लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जला हुआ था वायर, ठीक है, तो ये कनेक्ट करें। ओके, तो गाइस इस तरीके से सेटअप लग चुका है, केबल वगैरह लग चुके हैं, रैम लग चुका है, प्रोसेसर भी लग चुका है। ओके, अब इसके बाद ऑन करने के लिए यहाँ पे पिन है, यहाँ पे ऑन कर देंगे, ठीक है, देंगे। हार्ड डिस्क लगा चुका हूँ, तो गाइज मदरबोर्ड ओके हो चुका है। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज, ठीक है, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ठीक है गाइज।